स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, क्योंकि आजकल फोन के बगैर तो गुजारा है ही नहीं, क्योंकि बच्चों ने खाना खाना है तो फोन दे के खाना खाना है, और कोई भी उनसे काम करवाना है, अगर माँ बाप ने कोई काम खुद करना है तो बच्चों को फोन दे देना कि ये तंग ना करे बस हमें, तो उनका स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? बेटे अगर आइडियल सिचुएशन देखे जाए तो लेस देन 3 इयर्स ऑफ फोन जो बच्चा है उसका जो स्क्रीन टाइम है, स्पेशली जो नियर स्क्रीन टाइम है, वो तो जीरो होना चाहिए. इट इज जीरो बाय नो स्क्रीन टाइम मींस नो. और जो ये आपने कहा कि जी खाना खिलाना है तो फोन दे दिया, अपना काम करना है तो फोन, ये तो हमारे जो पेरेंट्स है वो ईजी वे आउट ढूंढ रहे हैं ना अपनी सहूलत के लिए. लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे कि आप बच्चे को खाना खिलाना है तो आप फोन दे दें, और अगर फोन नहीं है उस दिन तो फिर वो क्या करेगा, खाना नहीं खाएगा, तो वो दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड. 3 साल से छोटे उम्र के बच्चों का तो तकरीबन जीरो स्क्रीन टाइम होना चाहिए, और उससे बड़े भी अगर आपने स्क्रीन टाइम देना भी है तो जो नियर जो स्पेशली जो मोबाइल देते हैं और वो नियर जो स्क्रीन टाइम होता है वो एक दिन में बहुत हुआ तो आधा घंटा. जी, और जी. अगर आप और बेहद वक्त अगर देना भी है तो यू हैव टू फॉलो अ रूल ऑफ 20-20-20 के हर 20 मिनट्स के बाद बच्चे को आपने एक ब्रेक देना है. लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि खाने के मेज पर बैठे हैं तो हर एक के हाथ में फोन होता है, और जब पेरेंट्स या एल्डर अडल्ट जो है घर में उस कमरे में बैठ के उनके हाथ में फोन होंगे तो जाहिर है बच्चा भी आपसे मांगेगा. बिल्कुल. तो अगर आपने अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें. जी, अगर आप जो है अच्छा जी बच्चों का स्क्रीन टाइम अगर कम करना है तो पहले हमें अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा. आपने कहा कि 3 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं वो फोन बिल्कुल भी, उनका जीरो टाइम होना चाहिए, वो बिल्कुल भी फोन यूज ही ना करें. अच्छा मुझे ये बताइएगा बच्चों से लेकर बड़ों तक इसके कितने ज्यादा नुकसान है? बेटे का स्क्रीन टाइम एक्सेसिव होता है तो बच्चों या बड़ा दोनों में भी, जब आप बहुत देर तक स्क्रीन को देखते हैं तो आपकी आईज आप ब्लिंक नहीं करते और आईज ड्राई हो जाती है. हमारा जो टियर प्रोडक्शन होती है, जो आंसू बनते हैं, वो जब हम ब्लिंक करते हैं तो वो सरफेस के ऊपर स्प्रेड होते हैं और हमारी आईज वेट होती हैं और फिर और ये जो टीयर्स होते हैं वो हमारी आई की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. लेकिन जब आप कंटिन्यूसली स्क्रीन देख रहे होते हैं, ब्लिंकिंग नहीं होती, आईज ड्राई हो जाती हैं, तो फिर आपको वो जो है ना यू स्टार्ट रबिंग. और ख़ासतौर पर अगर बच्चे अपनी आईज को रब करना शुरू कर तो उसमें फिर जो कॉर्निया है, कॉर्निया जिसको के काली पुतली कहते हैं, वो कॉर्निया डिफॉर्म हो जाता है. और फिर अब बहुत ज्यादा इंसिडेंस हम बच्चों में ये देख रहे हैं जिसको एक बीमारी जिसको केराटोकोनस कहते हैं, जिसमें कि कॉर्निया की जो डायमेंशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गए बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रबिंग. और दैट एक्सेसिव रबिंग इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ड्राई आईज, दैट लीड्स टू एक्सेसिव रबिंग. सो वो तो एक तो बहुत सबसे बड़ा नुकसान तो ये है. दूसरा ये एक नुकसान जो है वो ये होता है कि बच्चे जब लॉन्ग टाइम देखते हैं और उनकी ग्रोइंग एज होती है तो उस वक्त आपकी जो आंख होती है उसने एक हिसाब के साथ ग्रो करना होता है, बड़ी होनी होती है, उसने एक साइज अचीव करना होता है. जब आप एक्सेसिव स्क्रीन टाइम करते हैं तो अगर आप देखें तो कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि आप दूर भी देखते हैं और साइमल्टेनियसली इमीडिएटली आप नज़दीक देखते हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता और आप दोनों चीज़ों में बड़े अच्छी तरीके से नजर आते हैं आपको. लेकिन उसके पीछे कुदरत का एक पूरा निज़ाम काम कर रहा होता है. आई बॉल जब हम दूर से नज़दीक देखते हैं तो एक चीज़ होती है जिसको हम अकोमोडेशन कहते हैं, आई अकोमोडेट करती है. उस अकोमोडेशन के लिए पूरे पैरामीटर्स आई के चेंज होते हैं, आई बॉल की लेंथ चेंज होती है, कॉर्निया का लेंस का कर्वेचर चेंज होता है, वो सब कुछ होता है. जब एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होता है तो वो बार बार आंख को ये सारा काम करना पड़ता है. तो मैं इसकी एक मिसाल जो हमेशा अपने पेशेंट्स को देती हूँ वो ये होती है कि अगर मैं हाथ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे मेरा हाथ दर्द करना शुरू हो जाएगा एक्सेसिव यूज के वजह से. तो ये होता यही है कि जब आंख को बार बार ये अकोमोडेशन वाले प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तो आई एक शुरू हो जाते हैं, आंखों में दर्द, सर में दर्द, सर की आंखों के पीछे दर्द, उसके बाद उसकी जो वो सारी जो डायमेंशन है वो ऑल्टर हो जाती हैं. और आजकल बच्चों में जिसको कि आजकल हम कहते हैं वेव ऑफ मायोपिया, मायोपिक वेव है, कि हर बच्चा अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे जो टॉडलर्स भी हैं उनको भी ये ग्लासेस की जरूरत है, और मायोपिक एस्टिगमेटिज्म है, उनके कॉर्नियाज डिफॉर्म्ड हैं और उनके ऐसे इतने अजीबो गरीब नंबर आते हैं कि कभी कभी खुद देख कर हैरानी होती है कि वॉट इज दिस. मैं अगर ऐसे कहूँ कि 30 साल से मैं पीडियाट्रिक ऑप्थल्मोलॉजी करती हूँ जिसमें मैं बच्चों को ही देखती हूँ, अगर मैं कहूँ कि पिछले 4 साल में मैंने मतलब 3-4-5 महीने के बच्चों को भी देखा है जिनको हाई नंबर ऑफ ग्लासेस लगते हैं, विच इज वेरी अनयूजुअल, जो पहले नहीं होता था. और जब वालदैन से पूछो तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम 3-4 महीने के बच्चे उनको भी, मतलब दिस इज हाँ मैंने मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं 4-5 महीने के, और कुछ होता ना कि फैमिली हिस्ट्री हो, इनहेरिटेड हो, उनकी तो फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, इनहेरिटेड नहीं होती, इनके वालदैन ग्लासेस नहीं पहन रहे होते, लेकिन वो बच्चे को जरूरत पड़ जाती है बिकॉज इतना ज्यादा उनको वो मतलब स्क्रीन एडिक्शन होती है एक तरह से.
जी वैसे तो मुझे खुद हैरत हुई है कि 4-5 महीने के बच्चे फोन वो पकड़ते कैसे होंगे, छोटे छोटे उनके हाथ है फोन, यहाँ तो उनके सामने लैपटॉप लगा के खोल दिया जाता होगा। माँ पकड़ के रखती है खाना खिलाने के लिए। और चल 4-5 महीने से ऊपर वो पहले से वो होता ही है ना कि कोई बड़ा बच्चा आपके घर में जो वो देख रहा है, तो जो न्यू बॉर्न है वो अगर आप देखें तो वो भी गर्दन घुमा के उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है जी। अगर उसे एक्सेप्टिंग है बड़ा तो वो देख रहा होता है, उसके हाथ में तो होता है ना। अच्छा मुझे ये बताइएगा प्लीज कि आंखों की बीमारी तो होती होती है, इसकी वजह से जैसे आपने कहा सर में दर्द बैक में दर्द, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में और क्या क्या चेंजेस आते हैं और कौन सी बीमारियां आ सकती हैं ये सिर्फ स्क्रीन की वजह से? बेटा एक्सेसिव स्क्रीन की वजह से अगर हाथ में आपने कंटिन्यूसली फोन पकड़ा हुआ है तो आपकी गर्दन में दर्द हो जाएगा, सर्वाइकल स्पाइन की डिफॉर्मिटीज आनी शुरू हो जाती है, सर्वाइकल स्पाइन की अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, आपके शोल्डर में दर्द हो जाता है, आपके पोस्चर्स खराब हो जाते हैं, बैड पोस्चर्स अगर आप देखें वो स्लाउच करना आप शुरू कर देते हैं, बिकॉज ऑल द टाइम अगर आपने हाथ पर फोन पकड़ा है तो पूरा पूरे शोल्डर से लेकर हाथ तक पर उसका स्ट्रेस पड़ रहा होता है तो वो आपको हो जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली जब बॉडी में एक्स होंगे, मसल एक्स होंगे तो आप कि मिजाज में भी तब्दीली आ जाएगी ना, आपको बिहेवियर इश्यूज भी आ जाते हैं, आप इरिटेटेड होंगे, आप मतलब हर बार दर्द हो रहा है तो आप इरिटेटेड ही होंगे ना, और बच्चों में भी जो बहुत एक्सेसिव स्क्रीन टाइम आता है तो उनके बिहेवियर इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उनको स्क्रीन एडिक्शन जब हो जाती है और जब उनको रोका जाता है तो दे गेट एग्रेसिव, इट इज लाइक एन एडिक्शन। ऐसे कि किसी भी चीज की एडिक्शन और उसको रोका जाए तो आपको पता है ना एक रिबाउंड आता है, तो बच्चों को जब अगर आप जबरदस्ती रोकते हैं तो दे गेट एग्रेसिव, और उसके बियॉन्ड अगर मैं आंखों के बियॉन्ड भी जाऊँ तो उस बच्चों में स्पीच डिलेज भी आजकल बहुत ज्यादा है, एंड दैट स्पीच डिलेज ऑल्सो बिकॉज वो ह्यूमन इंटरेक्शन तो नहीं है ना, वो घर में बात नहीं कर रहा, लोगों से बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ जिंगल्स देख रहा है या कार्टून देख रहा है या वॉट एवर, तो वो लैंग्वेज बिल्डअप भी बहुत डिले हो जाता है, तो आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा स्पीच डिले भी देखा जा रहा है अलॉन्ग विद एंड बिहेवियर इश्यूज भी देखे जा रहे हैं बच्चों में अलॉन्ग विद आई इश्यूज बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव। जी डॉक्टर साहिबा प्लीज हमारे साथ रहिएगा, हमने और भी काफी चीजें आपसे पूछनी है, तो अभी वक्त हुआ चलता है एक ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद आते हैं।